हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हो सभी? आप सभी के चेहरों पर अभी खुशी होगी। अगर जिसका पेपर अच्छा हुआ है ना, जीडी वाला, तो वो सभी खुश होंगे कि अभी पोस्ट हो गई है 50,187 पोस्टें। तो भाई साहब, 50,000 भाई अपने क्या बनेंगे, फौजी बनेंगे भाई। अब तो क्या रहेगी कटोप, जो कटोप बता रहा हूँ इसके आसपास अगर नंबर है ना, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। एकदम सटीक है, एकदम सटीक, आपके भाई राजवीर के द्वारा, आपके भाई राजवीर के द्वारा बिल्कुल सटीक कटोप बताई जा रही है। बहुत मेहनत लगती है इस कटोप को बनाने में। एक बार अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलते हैं अपने कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रह सकती है अब पोस्ट बढ़ने के बाद में। तो शुरू करते हैं, जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं एसएससी जीडी कट ऑफ 2023, एसएससी जीडी कट ऑफ 2023। ये देखो, और यहाँ पे पहले पोस्टिंग 24,000, फिर हो गई 46,000, फिर हो गई 50,187। जब 24,000 से लगभग अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, इससे जब 46,000 हुई तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अब जब 50,000 हो गई तो और ज़्यादा खुशी मिली है। मैं मान रहा हूँ कि शायद आगे भी बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। आगे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ने के चांसेस रहते हैं अगर एसएससी बढ़ा लास्ट तक। तो अभी तो एक रिजल्ट भी नहीं आया फिजिकल का, तो फिजिकल का रिजल्ट नहीं आया तो अभी तक और पोस्टें बढ़ सकती है। पोस्ट बढ़ने से किसको मिलेगा फ़ायदा, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, किसको फ़ायदा मिलेगा ये नोट करना है। और कट ऑफ क्या रहेगी अब जानेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखना भाई, ठीक है। वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई है आपके लिए, कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, तो वीडियो को पूरा देख के जाना भाई। चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है जो आपकी पिछली बार पोस्टें थी, कहाँ पे पोस्टें बढ़ी है ये देखिए आप, पोस्टें बढ़ाई कहाँ पे गई है ये देख लीजिए। बीएसएफ में पोस्टें थी 17,883 मेल की, फीमेल की 3169, टोटल 21,052 पोस्टें। सीआईएसएफ में 6,060 टोटल पोस्टें हैं। सीआरपीएफ में 11,169, एसएसबी में 2,274। जो खेल हुए हैं ना, वो पोस्टें बढ़ने वाला ये देखो यहाँ पे हुआ है, जो पोस्टें बढ़ी है ना यहाँ पे बढ़ी है। आईटीबीपी में पहले 1,607 पोस्टें थी मेल की, वो 4,796, महिला की 286 थी वो भी 896 हो गई, 846 हो गई। हो जो अब पहले टोटल थी 1,890, अब टोटल देखिए आप, जो पोस्टें बढ़ी है ना 4,000 का लगभग, जो बढ़ी है 4,000 से प्लस 4,500 के लगभग पोस्टें बढ़ी है, वो आईटीबीपी में बढ़ी है। अब फ़ायदा किसको मिलेगा वो भी आगे बताने वाला हूँ। असम राइफल में 3,301 पोस्टें हैं और एसएसएफ में 214 पोस्टें हैं एसएसएफ में। अब फ़ायदा किसको मिलने वाला है तो बताता हूँ। फ़ायदा उसको मिलेगा जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस है एसएसएफ, फिर है आपकी एनसीबी, फिर अगर आपने आईटीबीपी लगा रखा है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी बीएसएफ से पहले अगर आईटीबीपी है तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बीएसएफ की कट ऑफ हमेशा आईटीबीपी से कमी रहेगी, ये तो कन्फर्म है। अगर बीएसएफ पहले है तो बीएसएफ आपको मिल जाएगी अगर अच्छे नंबर है, बाकी आईटीबीपी उनको मिलेगी जिनके नंबर थोड़ी बहुत कम है, जो एनसीबी लगा रखे हैं। एनसीबी के बाद में मान लो एसएसएफ के नंबर नहीं है, एनसीबी के नंबर नहीं है, आईटीबीपी के नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बीएसएफ लगा तो बीएसएफ के नंबर मिल जाएंगे आपको। मतलब अगर आईटीबीपी में अब की बार बीएसएफ जितने भी नंबर होंगे ना लगभग, तो अप्रोक्सीमेट आपका सिलेक्शन होना तय है। अब की बार बढ़िया पोस्टें हैं, 5,000 पोस्टें कम नहीं होती है, ठीक है। तो आईटीबीपी अब की बार फ़ायदा उनको हो जो आईटीबीपी तीसरे चौथे प्रेफरेंस पर लगा रखी है। तो चलते हैं अब कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितना क्या रह सकता है अब। फिजिकल सेफ स्कोर 2023, ये देखिए, ये हाई जोन, मीडियम जोन एंड द लोअर जोन। हाई जोन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ईटीसी, जो भी और कुछ आते हैं। और मीडियम जोन में महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल भी इसमें आ जाता है, वेस्ट बंगाल है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है इसमें, झारखंड है, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो नीचे के अपने दक्षिण भारत के राज्य हैं वो, और जो बाकी के सेवन सिस्टर्स हैं ना वो लोअर जोन में आते हैं। बाकी जो यूटी यूनिटरी टेरिटोरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और बाकी जो आपको स्टेट बच रहे हैं ना वो सभी लोअर जोन में आने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ देखिए, हाई जोन में पिछली बार राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान में 67% पर पिछली बार कट ऑफ के लिए फिजिकल कॉल की आ गया था। तो मैं आपको ज़्यादा कम नहीं करना कि बार 62% क्यों क्यों इतना सा कम कर रहा हूँ, तो भाई ध्यान रखना, इतना कम करने का कारण है पिछली बार थे 12 गुना और अब की बार सिर्फ 8 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। हाँ, फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मैं गारंटी से लिख देता हूँ कि फाइनल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जितनी बार बढ़ी ना, पिछली बार मान लो 10 नंबर बढ़ी है, तो इसलिए बार अब की बार 7 नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ेगी, मैं दावा करता हूँ। बाकी फिजिकल के लिए 8 गुना आपकी बार बुलाए जा रहे हैं। तो अगर जिसके 62% नंबर बन रहे हैं, 63% अगर बन रहे हैं ना हाई जो जोन है, बाकी आप कम कर सकते हो आधा एक नंबर,
लेकिन 62 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ राजस्थान वाले बंदों के लिए, जनरल वाले के लिए इतने बन रहे हैं ना, तो आपको फिजिकल कोल आना तय है, आपका भाई राजू बोल रहा है ना। और जो मीडियम जोन है इनको 50% पे आएगा आएगा और आएगा फिजिकल कोल आएगा। जो ये वाले हैं ना लोअर जोन वाले, ये देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए ये पासिंग मार्क्स, बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे इनको फिजिकल कोल आएगा, ये मैं 101% तय हूँ। और अब की बार ज़्यादा नहीं, आप 7 नंबर, 5 से 7 नंबर के लगभग आपकी क्या बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं SSF के बारे में। SSF में पहले कितनी पोस्टें थी, अब की बार कितनी पोस्ट है, वही 214 पोस्टें हैं, पिछली बार भी लगभग इतनी की पोस्टें थी, तो SSF में कट ऑफ का ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं। प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ थी वो 79% मेल की, 72% थी फीमेल की, कट ऑफ ज़्यादा नहीं कम होगी। मैं 76% भी ज़्यादा लिख दिया, मैं बोलता हूँ 76 से 77% के लगभग जितने नंबर है ना वही फिजिकल कॉल आएगा SSF के लिए, और 70% महिला के लिए। पोस्ट ज़्यादा नहीं है पिछली बार की तुलना में, ये मैंने लिखा है जानबूझ के कि पोस्ट ज़्यादा नहीं है। आप कहो कि भाई SSF में भी कम जाने चाहिए, कट ऑफ नहीं जाएगी SSF में ज़्यादा, कट ऑफ कम नहीं जाने वाली, क्योंकि SSF में कट ऑफ कम क्यों जाएगी, पोस्ट नहीं बढ़ी है ना, पोस्ट बढ़ी BSF में, पोस्ट बढ़ी है CSF, पोस्ट बढ़ी CSF में, पोस्ट बढ़ी है CRPF में, ITBP में, इनमें पोस्ट बढ़िया है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा डेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका कितनी पोस्ट है, फिर बाद में आप बोलोगे। तो ये देखिए, ये फिजिकल के लिए है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे तो आपको फिजिकल कॉल 101% होना तय है। आप अपने भाई की बात सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।